लेक्चर का बेस था। वैसे आपको बताऊं, आपको फील होगा कि लास्ट का लेक्चर हमने ठीक किया लगा के, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। दिखाता हूं कैसे। मान लो ये कार यहां से यहां चलती है और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट कहां लेना है वो मेरी मर्जी होती है। तो मैं अपने डिस्टेंसेस ओरिजिन से लेता हूं, इसका एक्स का कोऑर्डिनेट इनिशियली x1 था, फाइनल कोऑर्डिनेट x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है, x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू s, लिख लेना इक्वल टू s, दिस इज इक्वल टू s। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जब कार चली थी तो टाइम क्या था, जीरो, और पूरी जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट होती है, t। अब बार बार देखने से एक पॉइंट समझ में आ रहा है, पूरे एग्जाम्पल को आपको समझने की जरूरत ही नहीं, आपको एकदम दूर से समझ में आता है कि ये पूरा डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो फिजिक्स के साथ यूज्ड टू होते जा रहे हो धीरे धीरे। आगे मुझे पता है जब ये कार चलेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इसमें कांस्टेंट होगी, ये तो केस गिवन ही है। क्यों? क्योंकि s इज इक्वल टू vt इक्वेशन लगती ही कब है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कैसे कवर कर रही है कार, dx डिस्टेंस इन टाइम dt, dx डिस्टेंस इन टाइम dt, dx डिस्टेंस इन टाइम dt। तो जैसे न्यूटन ने कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, तो बोलो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है, dx / dt, लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx इज इक्वल टू v * dt, क्लियर है, राइट right? नेक्स्ट, अब इसे इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि ये कार dx डिस्टेंस ट्रेवल करती है dt टाइम में, लेकिन हमें तो टोटल डिस्टेंस कवर करवाना है t टाइम में, तो हम दोनों साइड्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर, तो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? अब जब इंटीग्रेशन दोनों साइड्स की होगी तो लिमिट लगेगी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x, तो लिमिट भी मीटर में लगेगी, x में। तो बताओ जब गाड़ी चली थी तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था रेफरेंस पॉइंट से, x1, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जरूर बोलना है, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम रेफरेंस पॉइंट से बनाई है जो कि x1 है। और फाइनली रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया, x2। तो रेफरेंस पॉइंट से x1 से x2, x की लिमिट लग गई। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। जब कार चली थी तो टाइम क्या था, जीरो, और अब टाइम कितना है, टी। तो जीरो से टी समझ में आ रहा है, ठीक, तो लिमिट्स लगानी ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ रही है। मैंने कहा था इंटीग्रेशन में लिमिट्स कोई लगा के नहीं देगा, हमें खुद डिसाइड करनी है लिमिट्स। क्लियर है यहां तक? साफ पता लग रहा है जब टाइम जीरो था तो कोऑर्डिनेट क्या था, x1, जब टाइम टी हो गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, x2। क्लियर हो गया? बाकी तो इंटीग्रेशन तो अब आपको आती है, 1 dx की इंटीग्रेशन करेंगे, v कांस्टेंट है, v बाहर आ गया, तो ये 1 dt बच गया। 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x1 से x2। 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, 0 से t। x के अंदर एक बार अपर लिमिट x2, एक बार लोअर लिमिट x1, t के अंदर एक बार अपर लिमिट t, एक बार लोअर लिमिट 0। तो ये क्या बन गया, x2 माइनस x1, शुरू में क्या करवाया था, s इज इक्वल टू vt। आंसर, कोई डाउट इसमें? और ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन पे जोर क्यों डाल रहा था, अगर ना करवाई होती ना तो यहां पर बस लगे रहते कि ये कैसे लिमिट सिखाना, जरा कैसे पुट करनी है। तो आई होप कि इतनी इंटीग्रेशन समझ में आ रही है कि इसमें एटलीस्ट अब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में सबसे मजे की बात, जिस भी लेक्चर में आऊंगा को रिजल्ट बनाने, ऐसा मैं सिर्फ दो ही लाइन बना के दूंगा, बस दो लाइनें मेरा काम होगा, बाकी सारा काम आप खुद कर लोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए कैलकुलस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और बहुत बड़ी इंटीग्रेशन यूज भी नहीं हो रही, ये भी आपको कई लोग पूछते थे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कहां आ रहा है, गाड़ी ने चलना है, वो बेचारा dx dv में क्या पूछ लेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन यूज होती है। तो जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स यूज होंगी तो साइन कॉस से ऊपर तो यूज भी नहीं होगी, इतना की नॉर्मली रहता है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट मुझे क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस at बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। फिर एक स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर पेपर में आ जाए तो मैं कौन सा मेथड यूज करूं, मेंशन नहीं है, गलती से भी ग्राफ नहीं करना, बड़े हो चुके हैं अब हम, 9th का मेथड नहीं, +1 का, कैलकुलस से ही करके आना है, अब लगे कि हाँ इंटीग्रेशन सीख के आया है, तो कैलकुलस से ही करना है। कई बार टीचर ये क्या करके आया यार, ये कोई मेथड है ना, इंटीग्रेशन से करके आना है।
अगर नहीं कहा, कह दिया उसने ग्राफिकल या जो कैलकुलस, फिर बात अलग है, नॉर्मली कैलकुलस ही रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब वी यू प्लस ए टी करें तो आपने पहले डायग्राम बनाना है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि बॉडी क्या कर गई, एक्सलरेट। हम ये मानते हैं हमारी एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से बॉडी चली, टी टाइम में वेलोसिटी वी हो गई, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है एस। ठीक है यहां तक? तो मैं स्टार्ट करता हूं, बॉडी एक्सलरेट कर रही है, किसी भी इंस्टेंट पर जब गाड़ी चल रही होगी, किसी भी एट एनी इंस्टेंट एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस डीवी बाय डीटी। कोई डाउट इसमें? करें स्टार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीटी। कोई डाउट इसमें? तो ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डीवी डीवी डीवी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, डीवी 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 डीवी, पर हमें तो टोटल चेंज निकालने, कहां से कहां तक, यू से लेके वी तक, सारे डीवी डीवी स्मॉल चेंज को मिलाएंगे तो टोटल चेंज आएगा। मिलाने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ की क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ की इंटीग्रेशन मानी जाती है, सिंगल की नहीं करनी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स, किसकी इंटीग्रेशन चल रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वेलोसिटी, तो लिमिट भी किसकी लगेंगी, वेलोसिटी की। तो बोलो, जब कार चली थी तो वेलोसिटी क्या थी, यू, जब टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, वी, तो लिमिट समझ में आ रहा है, यू से वी। जब कार चली थी तो अब लिमिट किसकी लगेगी यहां पर, टाइम की। जब कार चली थी तो टाइम क्या था, जीरो, और जब यहां पर आ गई टाइम क्या है, टी, तो ठीक है लिमिट लगानी आ गई कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी यू है, टाइम टी पे वेलोसिटी वी है। क्लियर है? तो लिमिट्स खुद ही लगानी है, जो आप डायग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से लिमिट लगानी है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बस फिर इसका काम खत्म हो गया, मैथ शुरू हो गया। 1 dV की इंटीग्रेशन वी, 1 dt की इंटीग्रेशन टी, यू से वी तक, जीरो से टी तक। एक बार वी की जगह अपर लिमिट, तो वी की जगह वी पुट करेंगे तो वी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यू, वी माइनस यू। टाइम में एक बार अपर लिमिट तो टी, लोअर लिमिट तो जीरो, तो क्या आएगा, टी माइनस जीरो, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? देख लो कोई स्टेप पे डाउट है तो। आने का यही रूल है, जो भी इनिशियल कंडीशन होगी नीचे, जो फाइनल कंडीशन होगी वो ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी नीचे, फाइनल ऊपर। इनिशियल टाइम नीचे, फाइनल टाइम ऊपर। यही रूल है, उल्टा नहीं करना। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, टू प्रूव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मान लो ये कार यहां से चलती है यू से, फाइनल वी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और वही सेम डायग्राम, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करती है कार, टी टाइम में एस डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। जब ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी यू से वी पे जा रही है, तो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगी, चेंज। पहले यू थी, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो कभी ना कभी फाइनल हो जाएगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, डीएक्स बाय टीटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एट एनी इंस्टेंट वी कैन राइट वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई। पर मेरे को मेरा आंसर फाइनल वेलोसिटी में तो चाहिए ही नहीं, मेरे को मेरा आंसर यू में चाहिए, वी में नहीं चाहिए। तो टी टाइम पे बॉडी चली थी यू वेलोसिटी से, मान लो टी टाइम पे वेलोसिटी वी हो जाती है, और वी को हम क्या पुट कर सकते हैं, यू प्लस ए टी, क्योंकि वी की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए मेरे को, तो इनिशियल वेलोसिटी यू की फॉर्म में चाहिए, तो वी कैन पुट वी को यू प्लस ए टी। तो ये टर्म आ गई, दिस इज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बॉडी ने टोटल चेंज कितने कवर की, एस एस। तो यहां पर लिमिट लगाएंगे, अब इंटीग्रेशन करें टोटल चेंज के लिए, लिमिट ध्यान से देखना।
इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सपोज ये क्वेश्चन है और अभी भी मेरा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ही है, तो वो ये रेफरेंस पॉइंट से एक्स वन ले, इसको एक्स टू ले और डिस्प्लेसमेंट को शो करे एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या पुट करे एस। तो जब वो लेफ्ट की इंटीग्रेशन कर रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो जब वो dx, क्योंकि स्मॉल dx 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 मिला के s आएगा, तो जब वो लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन करेगा 1 dx इज इक्वल टू जैसे u प्लस ए टी इंटू डी टी कुछ ऐसे, जब वो लिमिट लगाएगा तो यहां पर लिमिट टाइम जीरो और यहां पर टाइम कितना है टी, तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी जीरो से टी। जब बॉडी चली थी तो जीरो पे चली थी टाइम पे, और अब कितना टाइम हो गया टी। अगर तो वो रेफरेंस पॉइंट ऐसा रखता है जैसे पहले रखा था, तो सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से इस इनिशियल लिमिट क्या लगेगी इसमें एक्स वन, और रेफरेंस पॉइंट से फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स टू, राइट। फिर वो सॉल्व करेगा तो ये एक्स आएगा, ये एक्स वन करेगा, ये एक्स टू करेगा, लिमिट पुट करेगा तो ये वैल्यू आएगी, और इन द एंड एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह एस पुट कर लेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल पड़ेगा एस आ जाएगा। ठीक, समझ में आया यहां तक। लेकिन मैंने इजी बनाने के लिए, या जैसे भी आपको लगा, मैंने थोड़ा और आसान कर दिया। मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन रखा ही नहीं, मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट ये रख लिया, मैं कहता हूं मैं सारे डिस्टेंस ही यहीं से मेजर करूंगा, मैं क्यों लू ओरिजिन से। तब लिमिट देखो, लिमिट में बोलो इनिशियल लिमिट क्या, मैं वहीं खड़ा हूं जहां रेफरेंस पॉइंट है, तो इनिशियल लिमिट क्या लगेगी जीरो, क्योंकि मैं पीछे रेफरेंस पॉइंट तो ले ही नहीं रहा, तो अब मेरी लिमिट लगनी स्टार्ट हो जाएगी जीरो से। ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, जैसे डाउट है समझ में आ रहा है, जीरो से, और फाइनली यहां पर डिस्प्लेसमेंट, अब सारे डिस्टेंस यहां से मेजर करने हैं, तो फाइनल डिस्टेंस कितना मेजर हो गया एस, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या लगेगी जीरो से एस। आपकी मर्जी है, आप नहीं लगाना चाहते, आप x1 x2 रखना चाहते हो वैसे रख लो, फिर यहां ओरिजिन बना लेना यहां पर, फिर x1 शो करना, ये x2 शो करना, फिर पुट करना x1 से x2, आंसर वही आएगा। या सिंपल ऐसे ही कर लो, अपना रेफरेंस पॉइंट ही इसे मान लो, जरूरत क्या पीछे जाने की, तो रेफरेंस पॉइंट ये मानेंगे तो फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो और फाइनल क्या काउंट होगी। ये समझ में आया यहां तक? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट आपने बनानी है, आपके हिसाब से चलेगी, आप रेफरेंस पॉइंट क्या रखते हो ये आप डिसाइड करो। कोई कहता है मैं पीछे वाला रखूंगा ओरिजिन, फिर वो एक्स वन एक्स टू लेके करे, कोई कहता है मैं तो यही रखूंगा रेफरेंस पॉइंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस तक लिख ले, आंसर दोनों में सेम आएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो मैंने सीधा जीरो से एस कर दिया, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो टाइम क्या था जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट एस है तो टाइम क्या है टी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टाइम क्या है जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट एस है तो टाइम क्या है टी। लिमिट लगानी आ गई, कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, अब तो आप ही का एरिया है सारा, यही काम था बस मेरा। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म डीटी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म डीटी, दोनों में मल्टीप्लाई करना है प्लीज। इसमें u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो जो बॉडी की थी वो तो चेंज नहीं हो सकती, वो बाहर आ गई, वैसे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो u बाहर आ गया। एक्सेलरेशन हम वैसे ही कांस्टेंट लेते हैं पूरी जर्नी की, तो वैसे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम वाली टर्म बाहर नहीं आएगी, बाकी बाहर आ गया a। तो ये स्टेप समझ में आया यहां तक? ब्रेक कर ली इंटीग्रेशन, u और a कांस्टेंट है इसमें, यस लिख लो चाहे, हियर u एंड a आर कांस्टेंट्स, u एंड a आर कांस्टेंट्स, तभी बाहर आए इंटीग्रेशन से, नहीं तो नहीं आ सकते थे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये वैल्यू, अब ध्यान से देखो, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 1 dt की क्या होती है t, t की इंटीग्रेशन t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाय 2। ये सब क्लियर है? लिमिट पुट करें x की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट s माइनस जीरो, t की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट t माइनस जीरो, t की जगह 2 बाहर आ गया, को बाहर ले लो, t की जगह एक बार अपर लिमिट t स्क्वायर एक बार लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन गया s ut
हाफ 80 स्क्वायर प्रूफ हो गया। कोई डाउट इसमें? कर लोगे ये प्रूफ? इन में से जो भी कैलकुलस मेथड चल रहा है, जब भी आपका स्कूल का एग्जाम आएगा, हो नहीं सकता कि इसमें से कोई क्वेश्चन प्रूफ करने को ना आए, पक्का आएगी। लिख लो ये सब, पूरी शीट ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल लेवल, ठीक। इसमें तो आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रूफ्स जो कैलकुलस मेथड वाले स्पेशली। भाई कैलकुलस मेथड पक्का आएंगे, आप प्लीज घर जाके जब लिखोगे बहुत ध्यान ध्यान से सोच सोच के स्टेप लिखना है, ठीक है ना, समझ समझ के लिखना है ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको, ठीक। मर्जी है ले लो, वो तो मेरा बताना, मैंने तभी चेंज किया ना इसमें ताकि आपको समझ में आए। ले लो जो पहले वाला, वो कह रहे हैं जो पहले वाला प्रूफ किया उसमें रेफरेंस पॉइंट x1 x2 यूज किया, उसमें सीधा s यूज करना चाहते हो, लगाओ जीरो से s लगाओ, सीधा आंसर आएगा, कोई चक्कर नहीं। अब आपको दोनों मेथड पता लग गए ना, आप जो मर्जी लो रेफरेंस पॉइंट, आपकी मर्जी है। यही तो सिखाना है कि जिस मर्जी मेथड से कर लो आंसर सेम आएगा, ठीक है यहां तक? इतना बड़ी क्वेश्चन डालेगा टीचर की यही लेना है बहुत बड़ी फिजिक्स है, इतना तो याद भी नहीं आएगा डालते हुए उसे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आपके स्कूल के टीचर ना ये देते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, उनको पता है यार ऐसे यूट्यूब साफ रहे हो ना, याद करके आते हैं, रट्टा मार के आते हैं, पूरा घोट के लिख देते हैं जाके, क्वेश्चन चेंज कर देगा वो, ये देगा। देखो कोई बात नहीं, मैं तभी लिख के लाया हूं ताकि ये भी ये नोट्स का पार्ट ही हो जाए। तो कुछ नहीं किया उसने, उसने प्रूव करना है एक्स इज एक्स नॉट यू टी माइनस टी नॉट हाफ ए टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर। एक्चुअली वो क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वी हो गई, जब वो चली थी तो टाइम जीरो नहीं था, टाइम टी नॉट था, टी नॉट था, और फाइनल टाइम कितना है, टी है। उसका रेफरेंस पॉइंट यहां मत लेना, टीचर ऐसे पूछेगा, यहां मत लेना, एक्स नॉट और एक्स की फॉर्म में पूछ रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट यहां से है। तो एक्स नॉट का मतलब है कि इनिशियली ओरिजिन से उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स नॉट, और फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स। तो आप प्लीज यहां वाई एक्सिस बना लेना, ये ओरिजिन 0.0 लिख लो यहां पे, 0.0 मतलब ये ओरिजिन है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मैंने अपना ओरिजिन जो एक्चुअल मेथड है उसमें एस ले लिया था, वही वहीं जहां से स्टार्ट हुई कार। इसने कहा कि नहीं पीछे से लो, अब पीछे से लो तो ऑब्वियसली दो डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ी मेरे को, एक्स नॉट एंड एक्स। सेम क्वेश्चन है, पहला स्टेप सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, ऊपर वाला लिमिट में फर्क है। लिमिट देखें, जब कार चली थी तो इनिशियली ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, एक्स नॉट, और फाइनली जब पहुंच गई तो डिस्टेंस कितना है, एक्स। जब चली थी तो टाइम क्या है, टी नॉट से लेके टी। ये समझ में आ गया? लिमिट का ब्रेक करते हैं, यू कांस्टेंट बाहर आ गया, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, तो सेम स्टेप बन गया जो पीछे चल रहा था, बस लिमिट का ही फर्क है। अब इंटीग्रेशन आपको आती है, 1 dx की इंटीग्रेशन इज x, 1 dt की टी, टी dt की टी की पावर 1 है टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट x की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, u इंटू एक बार t की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, t माइनस टी नॉट, a 2 बाहर आ गया, एक बार t की जगह t तो t स्क्वायर, एक बार t की जगह t नॉट तो t नॉट स्क्वायर। तो x नॉट राइट साइड पे ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी x नॉट प्लस जो भी प्रूफ करना, आंसर आ गया बस। तो थोड़ा सा उसने लिमिट को घुमाया और समझ में आया आंसर कैसे आया। कोई डाउट इसमें? क्लियर? ठीक।
Next, to prove v square minus u square 2as, please silence. ये प्रूव जरा ध्यान से देखना, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. कार u से v वेलोसिटी एक्वायर करती है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s. u से v जा रही है तो एक्सेलरेट कर रही है. एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे क्या लिखी जा सकती है, dv by dt. प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें टाइम नहीं आ रहा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as. पर जो जहां से मैं प्रूव कर रहा हूं वहां पर डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है और मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, मुझे क्या चाहिए इसकी बजाय, एक्स एस चाहिए, क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने आंसर में. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई बार यूज होगा. कभी भी आपको टाइम को एलिमिनेट करना हो ना डिस्टेंस की फॉर्म में, ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आगे. ठीक, तो आपने क्या करना है, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देना है, बिकॉज dx बाय dx क्या होता है, 1. ध्यान से देखो क्या हुआ, dx और dx लिख दिया. इस dv के नीचे इस dx को लिख लो और इस dx के नीचे इस dt को लिखो, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर स्वैप कर दो. dx इधर ले आओ, dt इधर ले आओ. ठीक है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि dx बाय dx तो 1 ही होता है. ये फर्क पड़ा कि dx बाय dt क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. को टाइम गायब हो गया, अब इंटीग्रेशन dt की बजाय किस में चलनी स्टार्ट हो गई, dx में. क्लियर, यहां तक रिपीट कर रहा हूं. ये वैल्यू लिखो, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करो, इस dv के नीचे ये डिनोमिनेटर रख दो और इस dx के नीचे ये डिनोमिनेटर रख दो. dx बाय dt v है. अब v dv को एक तरफ और a dx को a से मल्टीप्लाई करो, a dx एक तरफ. तो ये क्या आ गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx जब बॉडी कवर करती है, बढ़ती है आगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कवर करेगी तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी स्मॉल अमाउंट से चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी तो u से v चेंज हो रही है. तो जरा सा डिस्टेंस dx कवर करेगी तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. तो जरा सा डिस्टेंस dx कवर करेगी तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, dv. पर हमें तो टोटल डिस्टेंस s कवर करवाना है और टोटल वेलोसिटी चेंज करवानी है u से v, तो दोनों साइड की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. लिमिट बोलो वेलोसिटी की, गाड़ी की वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुई, u से, और कहां खत्म हुई, जब u थी वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या माना, यही माना. अगर मैं पीछे मानता तो x1 से x2 लगता, पर मैंने यही मान लिया तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट इनिशियली 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s. तो यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है और जब s है तो वेलोसिटी v है. v dv में v की पावर 1 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, u से v तक. और 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x कहां से कहां तक, 0 से s तक. क्लियर यहां तक, तो इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हैं. तो एक बार इस v की जगह अपर लिमिट, तो v की जगह v पुट करेंगे तो सेम v स्क्वायर बाय 2, और इस v की जगह लोअर लिमिट u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2, और x की जगह एक बार अपर लिमिट s और एक बार लोअर लिमिट 0, s माइनस 0. 2 LCM लेके यहां मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s. पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट इसमें, बोलो. वो तो फाइनल वेलोसिटी है, बीच में क्या हुआ पता नहीं ना, v कांस्टेंट नहीं हो सकता. एक्चुअली v एट अ गिवन टाइम एक वैल्यू अटेन करेगा, अगले टाइम पे v चेंज हो जाएगा. मेरी गाड़ी u से चली, अब t टाइम पे उसकी वेलोसिटी 10 है, t डैश पे 12 है, तो हर मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज हो रही है. हाँ, तो हमने t टाइम पे निकाल लिया क्या हुआ, या s डिस्टेंस पे निकाल लिया क्या हुआ, s के बाद उसकी इतनी वेलोसिटी, अगर s बढ़ जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है. और नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये भी आ जाता होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ द मोशन. अब जरा ध्यान से समझना, ये nth सेकेंड क्या होता है और ये लास्ट सेकेंड क्या होता है. देखो ध्यान से है, मैं कह रहा हूं ध्यान से, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको, 5-7 न्यूमेरिकल ले ही जाएगा अगर ना समझ में आया तो. ठीक, आ गया तो फिर समझो होमवर्क पक्का, 5 क्वेश्चन तो ठीक हो गए एक बारी में, जो होमवर्क आज देने वाला हूं.
लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सपोज एक कार चलती है, ये कार है, ये कार मान लो यहां से यहां 10 सेकंड में आती है, 10 सेकंड्स, ठीक हो गया, 10 सेकंड लगे। जब ये कार यहां से यहां चल रही थी तो रास्ते में कहीं यहां पर थी, फिर यहां पर आई, मान लो यहां से यहां आने में उसको 1 सेकंड लगता है, यानी कि उसकी 9 सेकंड की जर्नी तो हो चुकी पूरी। अब उसका आखिरी सेकंड चल रहा है, जैसी आखिरी सेकंड पूरा होगा वो जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मेरे को निकालना है ये लास्ट सेकंड, दिस इज द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, तो मेरे को निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, राइट? प्रॉब्लम समझ में आई? तो मेरे को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन। अगर टोटल जर्नी 10 सेकंड की है तो आखिरी सेकंड, 10th सेकंड जो स्टार्ट हुआ और 10th स्टार्ट हो चुका है, 1 सेकंड के बाद 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, राइट? मैंने ये नहीं पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स, क्योंकि अगर मैं पूछता डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स तो आप शुरू से लेके पूरी जर्नी 10 सेकेंड की है तो पूरा डिस्टेंस निकाल देते, राइट? मैंने पूछा 10 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड नहीं, 10वां सेकेंड, 10th सेकेंड, वो TH लगता होता है, 10th सेकेंड, फर्क है 10 सेकेंड्स में और 10th सेकेंड में फर्क है, 3 सेकेंड और 3rd सेकेंड में फर्क है, 3rd का मतलब आखिरी तीसरा सेकेंड चल रहा है, 3 सेकेंड्स का मतलब टोटल 3 सेकेंड है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो उसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड या व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस 10th सेकेंड, आखिरी सेकेंड ऑफ मोशन। समझ में आया? तो लॉजिक ये बोलता है कि अगर आपको आखिरी 1 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो पहले आप 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, फिर आप 9 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस इन 9 सेकंड, डिस्टेंस इन 10 सेकंड, और इन दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर दें तो आखिरी 1 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले पूरी जर्नी का निकाल लें 10 सेकंड, फिर 9 सेकंड का निकाल लें, माइनस करें तो आखिरी सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो जब हम लिखते हैं कि 10 सेकंड का डिस्टेंस है, इसको लिखा जाता है S10। S10 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड्स पूरा, दिस इज डिस्टेंस इन 9 सेकेंड पूरा। लेकिन जब ये डिस्टेंस आएगा S10 माइनस S9, इसको लिखा जाएगा टेंथ का मतलब आखिरी 1 सेकेंड। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? लिख सकता हूं पर बुक्स ऐसे नहीं लिखती, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखना है। तो क्वेश्चन वाला, पूछने वाला आपको ये नहीं कहेगा ना, मतलब इतने प्यार से थोड़ा पूछ लेगा आपको व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 1 सेकंड, अच्छा अच्छा लास्ट 1 सेकंड पहचान गया मैं, नहीं नहीं वो कहेगा फाइंड S10। अब आप, वो कम से कम वर्ड लिखना चाहता है ना, वो नहीं इतना लैंग्वेज यूज करना चाहता, बोला S10 निकाल दो। तो आप समझ जाना S10 का मतलब 10वां सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, आखिरी 1 सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि मेरे को 10 सेकंड के डिस्टेंस में से 9 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करके ही आंसर आएगा। आपको ये समझ में आया S10 का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड्स, S9 का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड, S10th का मतलब आखिरी 1 सेकंड, 10th सेकंड। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? हम लोग बोल देते हैं हिंदी में 3rd सेकेंड, तीसरा सेकेंड, दूसरा सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं बोला, दूसरा, 10वां सेकेंड, अंग्रेजी लोग बोलते हैं TH, nth सेकेंड, मतलब सेकेंड, 3rd, 4th, 5th, 4 सेकेंड नहीं, 4th सेकेंड बोलो। आ सकता है? मैं आपको छोटा कराऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्टकट कराऊंगा ना इसका, आपको उससे 1 सेकंड की भी और छोटी चीज करा के दिखाता हूँ, बताता हूँ, न्यूमेरिकल से समझाऊंगा अभी, एक्चुअली फिजिक्स आएगी न्यूमेरिकल को लगा के समझ में आती है, समझ में नहीं आती है अदरवाइज, अभी देखना एंड में करवाता हूँ पूरा क्या इसका मतलब है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले ये देखो। ओके, अभी बोलना सिखाया है, अब एक्सप्रेशन करके दिखाता हूँ। तो सपोज करो
मान लो एक बॉडी चलती है विद द वेलोसिटी ऑफ यू और नीचे गिरती है सपोज ग्राउंड पे, और मान लो वो पूरा नीचे गिरती है कितनी देर में, एन सेकेंड में, ठीक है, वो टी सेकेंड नहीं लेता, वो मे बी शायद टी सेकेंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि टी के आगे टीएथ बड़ा अजीब सा लगता है, टीएथ सेकेंड, मतलब उसने क्या किया, टाइम ही चेंज कर दिया, वो बोलता है एन सेकेंड लेते हैं, ठीक किया उसने, तो टोटल टाइम टेकन पूरी जर्नी का नीचे क्या है, एन सेकेंड, और बॉडी नीचे एक्सलरेट कर रही है विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, तो एन सेकेंड, ठीक एक सेकेंड पहले बॉडी कहीं यहां मिलेगी आपको, तो ये टाइम कितना निकल चुका स्टॉप वॉच में, एन माइनस वन, तो एक सेकेंड और बच गया तो एन हो जाएगा पूरा, तो आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ठीक है, तो एन सेकेंड जो डिस्टेंस कवर किया पूरी जर्नी का, क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं एस एन, एस एन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स, क्या मैं इतने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं एस एन माइनस वन एक सेकेंड पहले, तो मेरे को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है माइनस, और मैंने आपको बताया लास्ट सेकेंड को एन, क्योंकि पूरी जर्नी एन सेकेंड में है, तो हमने एस एन एथ निकालना है, तो मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ रहा है, ये टोटल एस एन, एस एन माइनस वन, बचा हुआ जो डिस्टेंस है एस एन एथ आखिरी एक सेकेंड का, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, वेयर मैंने लिख भी दिया एस एन का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स, एस एन माइनस वन का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड, और एनथ का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट वन सेकेंड, एनथ सेकेंड, तो ये पहला स्टेप, ये स्टेप क्लियर है, अगर मैं कहूं मेरे को तो पूरा डिस्टेंस निकालना है पूरी एन सेकेंड का एस एन, यहां से लेके यहां तक का, तो ठीक है आपने कहा लगा लो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन टाइम की जगह क्या पुट करना है, एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्लियर, तो मैंने क्या निकाल दिया एस ऑफ एन बाय अप्लाइंग यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और अगर मैं कहूं मेरे को तो एस ऑफ एन माइनस वन निकालना है, तो कोई बात नहीं, यू एन की जगह एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर है, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है टाइम टेकन एन, अगर एन माइनस वन का डिस्टेंस निकालना है टाइम टेकन एन माइनस वन, कोई डाउट इसमें, एस एन आ गया एस ऑफ एन माइनस वन आ गया, पर हमें क्या निकालना है एस ऑफ एनथ निकालना है लास्ट वन सेकेंड, तो क्या करेंगे एस एन में से एस ऑफ एन माइनस वन को उठा के माइनस, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, फिर से ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है, तो कुछ नहीं किया मैंने, मैंने एन सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने एन माइनस वन का डिस्टेंस निकाल लिया, और दोनों को उठा के मैं अब माइनस करने वाला हूं, बस करे माइनस, तो एस एनथ के अंदर ये फॉर्मूला लिखा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एनथ में सॉरी एस एन में टोटल डिस्टेंस क्या निकाला था यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एस एन माइनस वन में क्या निकाला था यू एन माइनस वन हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये रहा सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथ्स है, इसको ऐसे ही रखा, ध्यान आगे मल्टीप्लाई यू इंटू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये स्टेप क्लियर है, ठीक ओपन किया, अब फिर से ध्यान से देखना, मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं एक ही बारी में, माइनस यू एन राइट, माइनस यू एन ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, कोई डाउट इसमें, प्रणित क्लियर है, नहीं ये क्लियर है, यू को एन से मल्टीप्लाई किया, यू को वन से मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब ठीक है, अब ओपन करें, ध्यान इधर नहीं इधर नहीं, ये क्लियर है यहां तक, ये तो घर जाके लिखना है ना, घर जाके खुद करोगे तो और मतलब तभी आएगा ना, जब खुद कैलकुलेशन खुद करनी है आपने, ठीक, तो ये देखो मैं ओपन करने जा रहा हूं पूरा ब्रैकेट, अब इसके बाद माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, तो माइनस यू एन क्लियर है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करना आता है, माइनस यू एन आगे माइनस माइनस प्लस प्लस यू, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, क्लियर, ए को
से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इज पॉजिटिव लेकिन ब्रैकेट की वजह से माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए इंटू टू एन नेगेटिव लेकिन ब्रैकेट की वजह से पॉजिटिव। ओपन कर लिया ब्रैकेट, कोई डाउट इसमें? टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पहले तो टू और टू कैंसिल हो गए, ये ए एन बच गया, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, तो आपके पास एक बचा यू, एक बचा माइनस ए बाई टू और एक बचा ए एन। ये टर्म क्लियर है? सारा कुछ कैंसिल होने के बाद दो तीन टर्म्स ही बच गई बस। क्लियर यहां तक? और लास्ट स्टेप कॉमन निकालने का, ध्यान से देख लो, इसके अंदर से एक कॉमन जरूर निकल रहा है मैं मानता हूं। मुझे एक कॉमन नहीं निकालना, मुझे ए बाय टू कॉमन निकालना है। इसमें से तो ए बाय टू पूरे का पूरा कॉमन आ गया, तो अपनी जगह क्या छोड़ गया? माइनस वन प्लस ए तो कॉमन आ गया, सही है। टू नहीं था तो मैंने टू से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो कॉमन आ गया। नहीं तो ऐसे करके देख लो, a by 2 into minus 1 is minus a by 2, a by 2 into 2n में 2 से 2 cancel तो an, एक ही बात है, तो कॉमन आ गया। तो इसको ठीक तरह करके लिखो, u plus a by 2 into 2n minus 1। ये फॉर्मूला याद करो, पॉइंट टू रिमेंबर। तो ये फॉर्मूला आज के बाद सीधा आपको क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यानी कि लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। मैं लगा के दिखाता हूं न्यूमेरिकल में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? यहां तक तो सबसे पहली चीज इसमें वो देखो क्या करना है। मैं वही प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने इनिशियली ली थी। ध्यान आगे इधर देखना, लेट अस सपोज अ कार हैज स्टार्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, लेट अस सपोज, राइट? कार यहां से यहां आ जाती है इन टाइम टेकन 10 सेकेंड, राइट? 10 सेकेंड। मेरा क्वेश्चन वही है, ठीक एक सेकेंड पहले जब कितने सेकेंड हो गए थे? 9 सेकेंड। कार यहां पर थी पर मेरे को डिस्टेंस निकालना है इन लास्ट 1 सेकेंड, आखिरी एक सेकेंड का डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक वही क्वेश्चन है। पहला तरीका मैंने क्या बताया था, एस 10 में से एस 9 को माइनस कर दो तो एस 10th आ जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगा? एस 10। तो पूरा कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, माइनस करो, आंसर। आज के बाद ये नहीं करना, आज के बाद क्या करना है आपको? एस 10th निकालना है। और आपको मैंने फॉर्मूला किसका दिया? एस nth का। क्या फॉर्मूला दिया? u plus a by 2 into 2 n minus 1। आपने u सीधा पुट करना है 2, एक्सेलेरेशन मान लो क्वेश्चन में गिवन है मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने एक्सेलेरेशन सीधी पुट करनी है 3, और n का मतलब यहां पर क्या चल रहा है? 10। तो 2 into 10 minus 1, सीधा आंसर यही आएगा। मतलब आपका एक बहुत लंबा स्टेप बच गया, टोटल में से डिस्टेंस माइनस किया, उसकी बजाय हमने s nth पुट कर लिया। हाँ, पहले कितने लिए उसने? 3।